सो नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। अब आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है गूगल मीट, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको ज्वाइन करें ताकि हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ठीक है। क्योंकि कई बार चीज़ें होती है जो इंट्रैक्शन नहीं होता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही गूगल मीट कंडक्ट की जा रही है। वीक में 3 दिन है आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। अब मैं आज जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो हेलमिंथिक डिजीजेज बताने जा रही हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एस्कैरियासिस और दूसरा पढ़ेंगे फिलेरियासिस, ठीक है। फिलेरियासिस को हम लोग एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस क्या होता है, ये देखो, एस्कैरिस जो है बेसिकली, एस्कैरिस जिसको कि हम लोग बच्चों राउंड वर्म कहते हैं, इस एस्कैरिस से होने वाली जो डिजीज है उसको हम लोगों ने नाम दिया है एस्कैरियासिस, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, एस्कैरिस जो कि एक बेसिकली इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है और इससे डिजीज होती है हमारे पास में एस्कैरियासिस। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है तो इंटेस्टाइनल टिश्यू पे ही फीड करेगा, कहीं ना कहीं उनको डैमेज करेगा। तो क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं वो बेसिकली हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जब टिश्यू डैमेज हो गया इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर होगा, एनीमिया क्योंकि ब्लड लॉस हो चुका है ब्लीडिंग की वजह से तो एनीमिया हो सकता है, और सीवियर केसेस में देयर कैन बी ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। जो इंटेस्टाइन है बेसिकली वो ब्लॉक भी हो सकती है इन द सीवियर केसेस, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसमिट कैसे होता है। मना किया जाता है कि ओपन एरिया में आप फीकल डिस्चार्ज ना करें, हमेशा जब भी फीकल डिस्चार्ज हो वो क्लोज एरिया में हो या उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। तो जब इन्फेक्टेड पर्सन किसी ओपन एरिया में फीकल डिस्चार्ज करता है तो उस फीकल मटेरियल में इस एस्कैरिस के एग्स प्रेजेंट होते हैं, और इन एग्स के थ्रू कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्ट्स, सॉइल कंटेमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। सो द एग्स ऑफ द पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीकेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन एंड दैट विल कंटेमिनेट वॉटर, दैट विल कंटेमिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट्स एटसेट्रा। तो जो भी एग्स है ऑफ द पैरासाइट दैट विल बी एक्सक्रीटेड along with the fecal material, और जो आसपास की जितने भी फ्रूट्स है या वेजिटेबल है या सॉइल है या फूड प्रोडक्ट्स है उन सबका कंटेमिनेशन हो जाता है, और उस कंटेमिनेटेड फूड को अगर कोई हेल्दी पर्सन इंजेस्ट करता है या खाता है तो उसकी बॉडी इस एस्कैरिस से इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है। दिस इज वॉट, दिस इज एस्कैरियासिस। सो एस्कैरिस इज वॉट, इट इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट causes एस्कैरियासिस। सिम्टम इंटरनल ब्लीडिंग, पेन, फीवर, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, एग्स ऑफ पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीकेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन दैट विल कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर, दैट विल कंटेमिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट्स एटसेट्रा, एंड हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सिर्फ ये 2-3 चीजें पढ़नी है, किस तरह से तो स्प्रेड होगा इन्फेक्शन, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, और थर्ड पॉइंट है सिम्टम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिलेरियासिस की। सो फिलेरियासिस बच्चों क्या है, दैट इज कॉज्ड बाय द फिलेरियल वॉर्म। फिलेरिया जो वर्ड होता है उस फिलेरिया का मतलब होता है थ्रेड। आई विल राइट हियर दैट फिलेरिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है थ्रेड, ठीक है। अब कॉजिंग ऑर्गेनिज्म 2 है इसके अंदर, दोनों ही आपको नाम याद रखने हैं, बुचेरेरिया बैग्रोफटा, बुचेरेरिया मलाय, ठीक है। दैट कॉजेज स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन के बेसिकली तो 5 फीचर्स होते हैं, 5 साइंस होते हैं। इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्रॉनिक जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, इस क्रॉनिक का मतलब है फॉर द लॉन्ग टाइम। अक्यूट, जैसे अक्यूट इन्फेक्शन होता है और एक क्रॉनिक होता है। अक्यूट का मतलब तो ये होता है फॉर द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम के लिए जो हो रहा है ना, जैसे जैसे किसी को कॉमन कोल्ड हो गया तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 5-7 दिन के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं उस वायरस से फाइट करती है ना, एंटीवायरल प्रोटीन बनता है और हम ठीक हो जाते हैं। बट क्रॉनिक जो इन्फेक्शन है उसके अंदर लंबे टाइम तक कोई ऑर्गन अफेक्ट होता है, ठीक है। तो
इट विल रिजल्ट इन व्हाट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव मतलब किस में रहते हैं ये पर्टिकुलर कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन में ये रहते हैं तो ये बेसिकली अफेक्ट करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स को और जनरली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब जैसे पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है तो लोअर लिम्ब का जो एरिया है बच्चों वो ये वाला एरिया है ये वाला लोअर लिम्ब का एरिया है ये अपर लिम्ब हो गया और इसके नीचे वाला जितना भी पोर्शन हो गया वो सब लोअर लिम्ब हो गया ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखा रहे हैं ये एलिफेंटियासिस है जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फ्लेमेशन हो चुका है जिसकी वजह से पांव का साइज बढ़ चुका है एलिफेंट के पांव के जितना हो जाता है दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज अ एलिफेंटियासिस ठीक है इसके अलावा इस लोअर लिम्ब एरिया में कहीं ना कहीं जेनाइटल ऑर्गन भी आते हैं तो दे आल्सो गेट अफेक्टेड रिजल्टिंग इन अ ग्रॉस डिफॉर्मिटी पैथोजन अब ये जो पैथोजन है ये मतलब जो फिलेरियल वर्म है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन किस तरह से होगा तो दैट विल बी ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर ठीक है और फीमेल मॉस्किटो वेक्टर जो है उसका नाम है यहाँ पे बच्चों में लिख नेम ऑफ दैट इज क्यूलेक्स तो क्यूलेक्स मक्खी है जो कि इस फिलेरियल वर्म को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन की तरफ ट्रांसमिट करती है ठीक है समझ में आ गया आप लोगों को तो आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे आपको पढ़ना है सबसे पहले कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ठीक है आपको दूसरा पढ़ना है अफेक्टेड ऑर्गन में सिम्टम्स क्या है बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है जेनाइटल ऑर्गन्स भी डिफॉर्म हो जाते हैं और फैलता किससे है ट्रांसमिट किससे होता है तो दैट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ठीक है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो है आप लोगों के रिंगवर्म रिंगवर्म जो है बच्चों वो रिंगवर्म बेसिकली लीजन्स जो होता है इसमें जो इन्फेक्टेड एरिया जो होता है वो रिंग शेप होता है इसलिए इसको रिंगवर्म कहते हैं है ना आपने कहीं देखा होगा कभी किसी के दाद वाद हो जाता है तो बीच में एक पैच सा पड़ जाता है ना और उस पैच के अंदर आप देखोगे तो सराउंडिंग पोर्शन अलग अलग होता है जिसमें छोटे छोटे से वेसिकल से जैसे दाने से बनने लग जाते हैं ठीक है तो वो जो शेप होती है वो रिंग शेप होती है दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ रिंगवर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फंगस है एंड दैट्स फंगस बेसिकली बिलोंग टू जेनेरा लाइक माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन ये तीनों अलग अलग जीनस है जैसे माइक्रोस्पोरम एक जीनस है ट्राइकोफाइटोन एक जीनस है और एपिडर्मोफाइटोन भी एक जीनस है इन तीनों को मिला के हम लोग जेनेरा कह रहे हैं क्योंकि एक सिंगुलर के लिए तो जीनस यूज करते हैं ना हम लोग और एक से ज्यादा होंगे तो उसको कहते हैं हम लोग ने जेनेरा तो फंजाई जो इन पर्टिकुलर जेनेरा में आ रही है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवर्म सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स आप देखते होंगे ड्राई स्केली लीजन हो जाता है एक रफ सा एरिया सा हो जाता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन नेल्स एंड द स्कैल्प स्किन पे जनरली ये एपिडर्मिस को अफेक्ट करता है नेल्स में और स्कैल्प जो हमारा हेड वाला पोर्शन होता है बालों वाला जो पोर्शन होता है वो वाला दीज लीजन्स आर अकम्पनीड बाय द इंटेंस ईचिंग बहुत खुजली होती है ऐसी जगह पे रेडिश से हो जाता है डिसकलर वो एरिया हो जाता है एक पैच सा बन जाता है जिसका जो अपीयरेंस होता है वो रिंग लाइक होता है और इस लीजन्स को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है इस लीजन को ग्रो करने में हेल्प करते हैं हीट एंड मॉइस्चर दे विल हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो एंड विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन ग्रोइन और बिटवीन द टोज कई बार आपने देखा होगा जैसे ये वाला जो रीजन होता है ना ये वाला फोल्डिंग जो स्किन फोल्ड होता है तो बिटवीन द टोज आपने देखा होगा पहले कहा जाता था धोबी ईच का मतलब ये होता था कि पहले धोबी होते थे वो पानी में क्या रखते थे अपने पैर रहते आज भी होते हैं बट जनरली हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं हम लोगों ना अर्बन एरियाज में इतने ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं बिकॉज ऑल आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स एंड ऑल दैट दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी लाइक धोबी तो धोबी लोग क्या करते थे पानी में रहते थे पानी में उनके पैर ऐसे सपोज करो ये पैर है मेरे हाथ है बट वो पैर है तो उनके है ना ये जो टोज होते थे और उनके बीच में जो ये स्किन फोल्ड होता था यहाँ पे लीजन डेवलप हो जाता था क्योंकि वो कंटिन्यूसली पानी में कंटिन्यूसली मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में है और मॉइस्चर और हीट तो हेल्पफुल होती है फंजाई को ग्रो करने के लिए इसलिए उनके यहाँ पे पूरा एक लीजन डेवलप हो जाता था रिंगवर्म डेवलप हो जाता था ठीक है तो दीज बेसिकली डेवलप वेयर दोज इन द ग्रोइन और द बिटवीन द टोज
ग्रोइन एरिया, ग्रोइन एरिया बेसिकली वो एरिया हो गया जो कि थाइस और जेनाइटल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट है. थाइस और जेनाइटल ऑर्गन के बीच वाला जो एरिया होता है, जो स्किन फोल्ड होता है, वहां पे भी क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पसीना बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन अ रिंगवर्म. नेक्स्ट है, दीस रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल और बाय यूजिंग द टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन द कॉम ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. ये बहुत कंटेजियस होता है, यानी एक जने से दूसरे जने में बहुत जल्दी से फैलता है, इसलिए अवॉइड करें उस पर्सन की चीजें यूज करना जिसको कि रिंगवर्म है, चाहे उसका टाउल हो, चाहे उसके कुछ भी बिलोंगिंग्स हो, चाहे उसका कॉम हो, उसको अवॉइड करना चाहिए यूज करना. ठीक है, इस तरह से रिंगवर्म को रोका जा सकता है. समझ में आ गया होगा आप लोगों को. तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में जो पढ़ने के लिए है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, सिम्टम and in which particular condition it will grow and spread of infection. ठीक है, तो ये तीनों diseases आपको समझ में आ गई होगी. Next class में मैं plan कर रही हूँ एक Google form test का, जिसमें सिर्फ disease वाला portion ही होगा, तो आप लोग prepare रहिएगा उसके लिए.